हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन बैंकिंग मास्टर। फ्रेंड्स, अपने पिछले वीडियो में हमने आपको टॉप 5 बेस्ट ESIP बताया था 2020 के लिए। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को नीचे डिस्क्रिप्शन या आई बटन पर जाकर देख सकते हैं। उस वीडियो में हमने आपको एक्सेस ब्लू चिप फंड सजेस्ट किया था। इसका डिटेल रिव्यू हम आज से लगभग 6-7 महीने पहले कर चुके हैं और फ्रेंड्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फंड है लार्ज कैप कैटेगरी का, इसीलिए हम इसका दोबारा रिव्यू करेंगे रिसेंट डेटा के अकॉर्डिंग। आज हम इस फंड का डिटेल रिव्यू करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या आपको अभी इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, या आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इसमें तो आपको क्या करना चाहिए। इस रिव्यू में हम आपको सबसे पहले इसके फंड इन्फो के बारे में बताएंगे, फिर पोर्टफोलियो को हम देखेंगे, फिर परफॉर्मेंस को देखेंगे और लास्ट में हम आपको इस वीडियो का कंक्लूजन बताएंगे। तो जल्दी से आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। इस पर आपको म्यूचुअल फंड और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कई वैल्यूएबल वीडियोस मिलेंगी। चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इसके फंड इन्फो को। तो इसका फंड हाउस है एक्सेस म्यूचुअल फंड, जो कि फ्रेंड्स काफ़ी अच्छा फंड हाउस है। इस फंड हाउस के कई फंड्स काफ़ी अच्छे हैं। स्कीम टाइप है इसका ओपन एंडेड। ओपन एंडेड का मतलब कि आप जब चाहे तब अपना पैसा इस फंड से निकाल सकते हैं। इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इसका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है लॉन्ग टर्म कैपिटल जनरेट करना लार्ज कैप कंपनीज के इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स के डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करके। क्लास है इसका इक्विटी, कैटेगरी है इसका लार्ज कैप। इसके डायरेक्ट प्लान को लॉन्च किया गया था 1 जनवरी 2013 में और इसके रेगुलर प्लान को लॉन्च किया गया था 5 जनवरी 2010 में। यहाँ पर फ्रेंड्स हम देखें तो यह फंड 9 साल से भी अधिक पुराना है, मतलब कि इसने मार्केट के सारे अप्स एंड डाउन्स देखे होंगे और ये काफ़ी एक्सपीरियंस फंड है, जो कि फ्रेंड्स अच्छी बात है इन्वेस्टर्स के लिए। बेंचमार्क है इसका निफ्टी 50 टोटल रिटर्न। NAV है इसके ग्रोथ प्लान का 34.16 और इसके डिविडेंड प्लान का NAV है 18.54। AUM है इसका 8749 करोड़। फंड मैनेजर है श्रेयस देवलकर, ये नवंबर 2016 से इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। इनके एजुकेशन की बात करें तो इन्होंने BTech किया हुआ है UDCT मुंबई से और PGDM किया हुआ है इन्होंने JBIMS मुंबई यूनिवर्सिटी से। इनके एक्सपीरियंस की बात करें तो एक्सेस म्यूचुअल फंड को ज्वाइन करने से पहले ये BNP पैरेबस म्यूचुअल फंड में एज ए फंड मैनेजर के तौर पर ये काम कर चुके हैं और ये IDFC कैपिटल, JP Morgan सर्विसेज इंडिया एंड कैलियन बैंक के साथ भी ये काम कर चुके हैं। ये एक्सेस के नियर अबाउट 4 या 5 फंड्स को मैनेज करते हैं, जैसे कि एक्सेस ब्लू चिप फंड, एक्सेस मिड कैप फंड, एक्सेस इक्विटी एडवांटेज फंड, एक्सेस मल्टी कैप फंड और भी कुछ फंड्स को ये मैनेज करते हैं। तो फ्रेंड्स, श्रेयस देवलकर के लिए हम कह सकते हैं कि ये काफ़ी अच्छे फंड मैनेजर हैं, जो कि एक प्लस पॉइंट है इस फंड के लिए। इन्वेस्टमेंट डिटेल्स की बात करें तो मिनिमम SIP आप 500 से कर सकते हैं और लमसम इन्वेस्टमेंट आप 5000 से कर सकते हैं। एक्सपेंसेस की बात करें तो इसके डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.65% है, जो कि फ्रेंड्स काफ़ी कम है, और इसके रेगुलर प्लान का एक्सपेंस रेशियो 1.85% है। एग्जिट लोड की बात करें तो 10% से ज़्यादा के यूनिट निकालने पर 1% का एग्जिट लोड लगेगा, अगर आप 1 साल के अंदर अपना पैसा निकालते हैं तो। अब यहाँ पर फ्रेंड्स हम आपको बताना चाहेंगे कि एक्सपेंस रेशियो वो अमाउंट होता है जो कि आपको AMC को देना होता है आपके पैसे को मैनेज करने के बदले में। यहाँ पर फ्रेंड्स हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप डायरेक्ट प्लान ही लें, क्योंकि इसमें आपको कम एक्सपेंस रेशियो देना होता है AMC को। चलिए अब इस फंड के पोर्टफोलियो को देख लेते हैं। तो इसके पोर्टफोलियो में हम सबसे पहले देखेंगे एसेट एलोकेशन को। एसेट एलोकेशन में हम देखते हैं कि इक्विटी में, डेट में और कैश एंड कैश इक्विटी में कितना इन्वेस्टमेंट किया गया है। तो यहाँ पर इक्विटी में 88.74% का इन्वेस्टमेंट किया गया है, डेट में 16.52% का इन्वेस्टमेंट किया गया है और कैश एंड कैश इक्विटी में कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया गया है। तो फ्रेंड्स, इसके एसेट एलोकेशन को देखने के बाद हम ये कह सकते हैं कि इसमें डेट में भी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया गया है, जिससे कि ये लॉन्ग टर्म में एक स्टेबल रिटर्न जनरेट करके दे सकता है और इसका एसेट एलोकेशन काफ़ी अच्छा है और बैलेंस्ड भी है। अब पोर्टफोलियो एग्रीगेट्स को देख लेते हैं। तो यहाँ पर इस टेबल में देखिए, फंड में जाइंट में 91.58% का इन्वेस्टमेंट किया गया है, जबकि कैटेगरी में केवल 67.85% का इन्वेस्टमेंट किया गया है। लार्ज कैप में फंड में 7.94% का इन्वेस्टमेंट किया गया है, जबकि कैटेगरी में 23.91% का इन्वेस्टमेंट किया गया है। मिड कैप में भी फंड में बहुत कम इन्वेस्टमेंट किया गया है, 0.49% का, जबकि कैटेगरी में 7.90% का इन्वेस्टमेंट किया गया है। स्मॉल कैप में फंड में कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया गया है, लेकिन कैटेगरी में 1.15% का इन्वेस्टमेंट किया गया है।
अब फ्रेंड्स यहाँ पर लार्ज कैप और मिड कैप में फंड में बहुत कम इन्वेस्टमेंट किया गया है, तो इससे यहाँ पर जो रिस्क बढ़ रहा है वो मेकअप हो जा रहा है जाइंट में फंड में अधिक इन्वेस्टमेंट होने की वजह से। तो इसके पोर्टफोलियो एग्रीगेट्स के लिए हम कह सकते हैं कि इसका पोर्टफोलियो एग्रीगेट्स बैलेंस्ड है। आप सेक्टर एलोकेशन को देख लेते हैं बेंचमार्क के कंपैरिजन में, तो यहाँ पर बेंचमार्क का डेटा अवेलेबल नहीं है, इसीलिए हम केवल फंड के ही सेक्टर एलोकेशन को देखेंगे। तो इसमें फाइनेंशियल सेक्टर में सबसे अधिक इन्वेस्टमेंट किया गया है और फंड का सेक्टर एलोकेशन काफ़ी अच्छा डाइवर्सिफाइड है। चलिए अब टॉप 10 होल्डिंग्स को देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैक्सिमम ऐसी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट किया गया है जिनके की नाम आपने पहले से सुना होगा, जैसे कि HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, ICICI बैंक, बजाज फाइनेंस और भी कुछ ऐसी कंपनीज हैं जिनके की नाम आपने पहले सुने होंगे। यहाँ पर आप PE को भी देख सकते हैं। आपको पता होगा कि PE जिस कंपनी का जितना कम होता है वो कंपनी उतना ही अच्छा माना जाता है। आप एलोकेशन को भी देख सकते हैं कि किस कंपनी में कितना परसेंट इन्वेस्टमेंट किया गया है। जैसे HDFC बैंक में 9.06% का इन्वेस्टमेंट किया गया है। आप चाहे तो वीडियो पॉज करके इन सभी डेटा को आराम से देख सकते हैं। अब बात करें कंसंट्रेशन एंड वैल्यूएशन की, तो टोटल नंबर ऑफ स्टॉक्स इसमें 24 है। टॉप 10 स्टॉक्स का कंट्रीब्यूशन 59.51% है। टॉप 3 सेक्टर्स का कंट्रीब्यूशन 59.93% है। इस पोर्टफोलियो का प्राइस टू अर्न रेशियो फ्रेंड्स 35.68 है, जो कि फ्रेंड्स उतना अच्छा नहीं माना जाएगा। अब इन्वेस्टमेंट स्टाइल की बात करें तो इस पूरे पोर्टफोलियो का डिटेल एनालिसिस करने के बाद हम ये कह सकते हैं कि इसका इन्वेस्टमेंट स्टाइल ग्रोथ ओरिएंटेड है और ये मेनली लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। अब हम देखेंगे इस फंड के परफॉर्मेंस को। तो परफॉर्मेंस में सबसे पहला पैरामीटर है हमारा ट्रेलिंग रिटर्न। ट्रेलिंग रिटर्न की बात करें तो फ्रेंड्स ये फंड जब से लॉन्च हुआ है तब से कुछ टाइम पीरियड तक इसने बेंचमार्क के बराबर ही रिटर्न दिया है, लेकिन जुलाई 14 के बाद से इसने थोड़ा सा अच्छा रिटर्न देना शुरू किया और धीरे धीरे इसने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। तो इसके ट्रेलिंग रिटर्न के लिए हम कह सकते हैं कि इसका ट्रेलिंग रिटर्न लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा है। बात करें एनुअल रिटर्न की, तो यहाँ पर इस ग्राफ में देखिए 2014, 17 और 18 में फंड ने कैटेगरी और बेंचमार्क से काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है, लेकिन 2016 में फंड का रिटर्न कैटेगरी और बेंचमार्क से अच्छा नहीं है। तो इसके ओवरऑल एनुअल रिटर्न के लिए हम कह सकते हैं कि इसका एनुअल रिटर्न भी ठीक है। अब बात करें ईयरली ट्रेलिंग रिटर्न की, तो 3 मंथ के टाइम पीरियड में फंड ने अधिक रिटर्न दिया है बेंचमार्क और कैटेगरी से। 6 मंथ के टाइम पीरियड में भी फंड ने काफ़ी अधिक रिटर्न दिया है 6.78% का, जबकि कैटेगरी और बेंचमार्क ने लगभग 1% का ही रिटर्न दिया है। 1 ईयर के टाइम पीरियड की बात करें तो 1 ईयर के टाइम पीरियड में फंड ने 21.18% का रिटर्न दिया है, जो कि कैटेगरी और बेंचमार्क से काफ़ी अधिक है। और 3 ईयर्स के टाइम पीरियड में भी फंड ने अधिक रिटर्न दिया है 20.71% का, जबकि कैटेगरी ने केवल 13.51 और बेंचमार्क ने 15.61% का रिटर्न दिया है। 5 ईयर्स के टाइम पीरियड में भी फंड ने अधिक रिटर्न दिया है 11.15% का। तो इसके ईयरली ट्रेलिंग रिटर्न के लिए हम कह सकते हैं कि इसका ईयरली ट्रेलिंग रिटर्न भी काफ़ी अच्छा है। चलिए अब अपने लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर को देख लेते हैं, जो कि है रिस्क मेजर। इसमें हम देखते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, बीटा, सार्फ रेशियो और अल्फा को। आपको फ्रेंड्स पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड डेविएशन और बीटा जितना कम रहे उतना ही अच्छा होता है फंड के लिए, वहीं सार्फ रेशियो एंड अल्फा जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा माना जाता है फंड के लिए। तो यहाँ पर इस टेबल में देखिए फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 11.72 है, जो कि कैटेगरी के 12.59 से कम है और बेंचमार्क का 12.22 भी उससे भी कम है फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन। अब बात करें यहाँ पर बीटा की, तो बीटा फंड का 0.81 है, जो कि कैटेगरी के 0.94 से कम है। सार्फ रेशियो की बात करें तो फंड का सार्फ रेशियो 1.16 है, जो कि कैटेगरी के 0.61 और बेंचमार्क के 0.78 से अधिक है। अल्फा की बात करें तो फंड का अल्फा 5.06 है, जो कि कैटेगरी के -2.22 से काफ़ी अधिक है और जो कि फ्रेंड्स अच्छा भी माना जाएगा इस फंड के लिए। अब इस फंड का डिटेल एनालिसिस करने के बाद हम ये कह सकते हैं कि इस फंड में रिस्क कैटेगरी से कम है और रिटर्न पोटेंशियल कैटेगरी से काफ़ी ज़्यादा है, जो कि फ्रेंड्स बहुत ही अच्छी बात है। ये लार्ज कैप कैटेगरी का सबसे अच्छा फंड है, यही कारण है कि हमने इस फंड को अपने पिछले वीडियो टॉप 5 बेस्ट ESIP फॉर 2020 में भी सजेस्ट किया था। अब अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इसमें इन्वेस्टमेंट करते रहें और टाइम टू टाइम अपने इन्वेस्टमेंट को ट्रैक करते रहें। नए लोग भी आराम से इस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये काफ़ी अच्छा फंड है। इस फंड में आप 5 से 7 साल के लिए इन्वेस्टमेंट प्लान करें। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया हो तो हमारे इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें और जाते जाते इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करना ना भूलें। आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और कोरा पर भी फॉलो कर सकते हैं। इन सभी प्लेटफॉर्म्स का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपने हमें अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
फिर मिलते हैं ऐसे किसी वीडियो में।